नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जगन्नाथ, जय। हम लोग चल रहे हैं अपने सफर में और आप देख सकते हैं पूरी ग्रीनरी से भरा हुआ हमारा रास्ता है दोनों तरफ। ये आप देख सकते हैं पूरा नारियल का बगीचा यहाँ पे हमारी लेफ्ट साइड में। फाइनली हम लोग भगवान अलारनाथ जी के मंदिर पर पहुँच चुके हैं और बहुत ही ये जो मुख्य द्वार है यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंह द्वार से कहते हैं, दो सिंह यहाँ पे खीर खाने से भगवान के हाथ जल गए थे जो प्रत्यक्ष रूप में आप यहाँ पे मंदिर में भगवान के विग्रह में देख सकते हैं अभी भी जले हुए निशान। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से भगवान अलारनाथ जी का मंदिर कैसा दिखता है। ये बिल्कुल जगन्नाथ मंदिर की ये भगवान का खीर प्रसाद महाप्रसाद हमें भी प्राप्त हो गया। जय अलारनाथ। ये शिला है जिसमें चैतन्य महाप्रभु के प्रणाम करने से उनका शरीर इसमें छप गया। आज भी खा लो ऐसे बोल के दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे में एक छिद्र था, वो छिद्र में दुष्ट कर दिया। पंडित जी ने कहा भगवान किसे खीर खा लिया भगवान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जगन्नाथ, जय अलारनाथ। अभी हम लोग हैं जगन्नाथपुरी में और अभी हम निकलेंगे भगवान अलारनाथ जी के दर्शन के लिए। भगवान अलारनाथ जी जगन्नाथ जी का ही एक अलग विग्रह रूप है जहाँ पे भगवान अलारनाथ जी चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म के रूप में वहाँ पे विराजमान है। और भगवान जगन्नाथ जी जब 14 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं उस समय रथ यात्रा से पहले, तो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन बंद होते हैं दर्शनार्थियों के लिए, तो भगवान अलारनाथ जी वहाँ पे दर्शन देते हैं सारे भक्तों को। सारे भक्त सिर्फ अलारनाथ के मंदिर में जाकर के भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। तो भगवान अलारनाथ जी जो है जगन्नाथ जी का ही एक अलग विग्रह रूप है जहाँ पे अभी भी प्रत्यक्ष रूप में उनके हाथ जले हुए हैं खीर खाने से। भगवान अलारनाथ जी को खीर बहुत प्रिय है, खीर उनको रोज खिलाई जाती है, तो वो खीर खाने से भगवान जगन्नाथ जी ठीक होते हैं। तो अभी भी आप वहाँ पे देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप में उनके हाथ अभी भी जले हुए हैं जिसमें गर्म गर्म खीर उन्होंने खा ली थी। तो चलिए चलते हैं अपने यात्रा पर, बने रहे हमारे साथ में और कराते हैं आपको आज अलारनाथ जी के दर्शन। जय जगन्नाथ, जय अलारनाथ। चलिए चलते हैं भगवान अलारनाथ जी के सफर में जो कि जगन्नाथपुरी से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर है और हम लोग चल रहे हैं यहाँ से टैक्सी बुक करके। टैक्सी यहाँ पे इजीली मिल जाती है। इधर आप देख सकते हैं हमारी बाईं तरफ यहाँ पे सारे जो पेड़ हैं सारे के सारे नारियल के पेड़ यहाँ पे दिख रहे हैं। ये पूरा बाग कह सकते हैं, जंगल कह सकते हैं, पूरा जो है नारियल से भरा हुआ है। नारियल भरपूर मात्रा में यहाँ पे होता है। हम लोग चल रहे हैं अपने सफर में और आप देख सकते हैं पूरी ग्रीनरी से भरा हुआ हमारा रास्ता है, दोनों तरफ पूरी ग्रीनरी ही ग्रीनरी नजर आ रही है। ये शायद गेहूं या धान की फील्ड्स हैं जहाँ पे धान या गेहूं जो भी है वो लगा हुआ है, क्योंकि दूर से पता नहीं चल पा रहा है कि क्या चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की जो रोड कंडीशन है बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। सारी रोडें बहुत अच्छी बनी हुई हैं, जिस भी दर्शनीय स्थल पर आप जाते हैं बहुत सुंदर रोड बनी है। ये आप देख सकते हैं पूरा नारियल का बगीचा यहाँ पे हमारी लेफ्ट साइड में। जगन्नाथपुरी समुद्री तट पर स्थित है इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नारियल जैसे पौधे हैं भरपूर मात्रा में आपको जगह जगह दिखेंगे। तो हम लोग लगभग पहुंचने वाले हैं भगवान अलारनाथ जी के मंदिर के पास में। परिणी भगवान अलारनाथ जी का मंदिर हमारे निकट ही है और हम लोग सामने आप देख सकते हैं बोर्ड यहाँ पे ब्लू कलर का दिख रहा है। ये बोर्ड है, यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न लेना है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है अलारनाथ टेम्पल एंड लेफ्ट टर्न इंडिकेट कर रहा है इसमें। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेकर के इस गली से अंदर होकर के हमें जाना है, करीब मेन रोड से करीब 100 मीटर की दूरी पर भगवान अलारनाथ जी का मंदिर स्थित है। फाइनली हम लोग भगवान अलारनाथ जी के मंदिर पर पहुंच चुके हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग स्टोरीज है भगवान से जुड़ी हुई। ये जो मुख्य द्वार है यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंह द्वार से कहते हैं, दो सिंह यहाँ पे बैठे हुए हैं एग्रेसिव पोस्चर में और ये गेट बना हुआ है। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, यहाँ पे प्रसाद वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आप जो भी चाहें वो अंदर लेके जा सकते हैं। भगवान अलारनाथ जी के मुख्य मंदिर में गर्भगृह में मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है इसलिए मैं आपको भगवान के दर्शन नहीं करा पाऊंगा, लेकिन भगवान के जो विग्रह यहाँ पे हैं हमें चैतन्य महाप्रभु के मंदिर में लेते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये भगवान अलारनाथ जी हैं जो चतुर्भुज मुद्रा में यहाँ पर हैं। भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज मुद्रा में यहाँ पर विराजमान हैं। भगवान अलारनाथ जी के एक भक्त थे जिनका नाम था माधव, वो भगवान को खीर भोग लगा रहे थे तो खीर गरम गरम खीर खाते समय भगवान का हाथ जल गया था, वो प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो भगवान के इस मंदिर में खीर का भोग भगवान को लगाया जाता है और सारे भक्तों को वो खीर बांटी जाती है प्रसाद के रूप में और भगवान के हाथ में जला हुआ निशान अभी भी आप प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। और भगवान जगन्नाथ जी जब 14 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं इसी मंदिर में सारे भक्तों को दर्शन देते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से भगवान अलारनाथ जी का मंदिर कैसा दिखता है। ये बिल्कुल जगन्नाथ मंदिर की तरह ही उसी शैली में बनाया गया है
और इसमें आप देख सकते हैं कि शिखर में भगवान का जो सुदर्शन चक्र रहता है वो सुदर्शन चक्र शिखर में यहाँ पर भी है और एक ध्वजा भी है। साथ ही साथ जैसे सिंह द्वार हमने जगन्नाथ जी में देखा था वैसे ही यहाँ पर भी सिंह द्वार बनाया गया है। ये भगवान का खीर प्रसाद महाप्रसाद हमें भी प्राप्त हो गया। जय अलारनाथ, जय अलारनाथ, जय जगन्नाथ। ये मंदिर कई सारे चमत्कारों से भरा हुआ है। अभी आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे एक शिला है जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रणाम करने से जिसमें है उनके निशान, उनके शरीर के निशान। आइए आपको दिखाते हैं। ये शिला जब भगवान का सामने था ना उधर से सारा क्यों ना भगवान को प्रणाम किया था अभी पूजा हुआ है ना इसलिए सारे इधर से रखा है। देखिए इस तरह प्रणाम किया है। ये सारे दो ध्यान है, एक घुटना है, एक कमल है, दो आंटी है, भगवान चैतन्य महाप्रभु की कई सारी लीलाएं जगन्नाथपुरी में हुई क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु काफ़ी समय जगन्नाथपुरी में रहे थे और भगवान के नाम का प्रचार किया था। तो ये चैतन्य महाप्रभु की पालकी है जो गौर पूर्णिमा के समय में यहाँ पर भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाती है। गौर पूर्णिमा मतलब जो होली के अवसर पर जो त्यौहार आता है उसे गौर पूर्णिमा मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक माता लक्ष्मी का मंदिर भी है, यहाँ पे भी दर्शन कर लेते हैं। ये माता लक्ष्मी का मंदिर क्योंकि भगवान अलारनाथ जी यहाँ पे चतुर्भुज रूप में है तो माता लक्ष्मी का साथ में होना आवश्यक है। तो हम लोग एक परिक्रमा पूरी करके यहाँ पर हम लोग वापस आ चुके हैं और यहाँ से एग्जिट गेट आता है जहाँ से हम लोगों को बाहर निकला है। और सामने जो आप देख रहे हैं ये मुख्य मंदिर है और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ जो मंदिर के अंदर का प्रांगण है ये आप देख सकते हैं, ये एग्जिट गेट है। और इधर जो है ये शंकर जी का एक मंदिर यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी का है। और प्रभु जी बोला, प्रभु जी आप आज यदि खीर नहीं खाएंगे हमारा मंदिर में, आपका मंदिर में हमारे पिताजी दुगे है देखने के लिए, जिन नहीं खाएंगे सब असत्य हो जाएगी, जैसे तीन दिन खा लिया आज भी खा लो, ऐसे बोल के दरवाजा बंद कर दिया। और दरवाजे में एक छिद्र था, वो छिद्र में दुष्टपात करके पंडित जी देखा है भगवान कैसे खीर खा लिया, भगवान तीन दिन खा लिया ना आज किसी नहीं खाएंगे। और रत्न सिंहासन उतर के बाँ माटी का बाउंड ना सत्य जी को कथा है ना माटी का मिट्टी का बाउंड है बाँ हाथे धरे, एक बार खा लिया, दो बार खा लिया, तीन बार खा लिया। तीन बार खाने के समय पंडित जी का मस्तिष्क गोल मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, दरवाजे खोल लिया, भगवान का हाथ पकड़ लिया। भगवान बोला तुम छोड़ दो, जो मांगेगा दे देंगे, ऐसे ही तुम सोको पत्त कर देंगे, कुबेर पस्त दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, तुम छोड़ दो। वो बोला तुम खा लेंगे तो हम कैसे जिएंगे, हमारा बच्चा कैसे जिएंगे। भगवान बोले तुम छोड़ दो, जो तीन बार बोला वो तीन बार ऐसे उतर दिया। भगवान बोले तुम हमारा जो खा लिया खीरी में दान दूसरी देना कोई नहीं रहेगी, अब कोई नहीं, क्योंकि आपका भक्ति था वो जो 108 बार जो दंड प्रणाम किया ना वो सारा बड़ी जहाँ पर पत्थर में लगा वो बिगड़ गया, वो पत्थर दिखाएगी वो पत्थर में बिगड़ गया है। और चैत्र महाप्रभु मालूम नहीं वो पत्थर भगवान के सामने पड़ा है, चैत्र महाप्रभु प्रचार करने के लिए गया, जब भी जगन्नाथ को बुखार होता है यहाँ पर आते अमेरिका रूसिया फॉरन कंट्री जो सारा विश्व घूम गया चैत्र महाप्रभु ना वो प्रचार करने के लिए गया, जगन्नाथ भी जब भी बुखार होता है यहाँ पर आते। और ये पत्थर भगवान के सामने पड़ा है पूरी गजपति पूरी गंभीरा रामदास जी का। तो चलिए चलते हैं वापस अपने रूम की तरफ, भगवान अलारनाथ जी के दर्शन हमने कर लिए, बहुत ही सुंदर और भव्य दर्शन हमें हुए। तो वापस चलते हैं अपने रूम की तरफ। भगवान अलारनाथ जी के दर्शन करके हम लोग वापस निकल चुके हैं जगन्नाथपुरी के लिए जहाँ पे हमारा रूम है और करीब 22 किलोमीटर की डिस्टेंस है यहाँ से, तो लगभग आधा घंटा हमें लगेगा यहाँ से वहाँ पहुँचने में। तो बहुत ही अलौकिक और सुंदर दर्शन हमें यहाँ पे हुए भगवान अलारनाथ जी के। जब भी आप जगन्नाथपुरी दर्शन करने आते हैं तो भगवान अलारनाथ जी के दर्शन जरूर कीजिए क्योंकि जो 14 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ जी बीमार होते हैं तो उस समय जगन्नाथ जी का मंदिर बंद होता है, तो भगवान यहीं पे अलारनाथ जी के रूप में दर्शन देते हैं, तो यहाँ पे दर्शन जरूर कीजिएगा। तो भगवान अलारनाथ जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं वापस पुरी में अपने रूम के लिए और समय बचेगा उसके बाद हम अन्य दूसरे मंदिर में जो दर्शनीय स्थल है वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉक पसंद आया होगा। यहाँ पे भगवान की अपार महिमा, अलग ही महिमा है। यहाँ पे भगवान साक्षात यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके दर्शन, चैतन्य महाप्रभु के जो शरीर से जो पत्थर शिला पिघली थी उसमें आप उनके निशान देख सकते हैं और साथ ही साथ में अलारनाथ भगवान के जो हाथ खीर से जल गया था वो आप देख सकते हैं। तो बहुत अलौकिक है यहाँ की महिमा, हर कदम कदम पर यहाँ पर चमत्कार देखने को मिलते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ये ब्लॉग पसंद आया प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग मिस होता है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय जगन्नाथ।